नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के रानी कमलापति स्टेशन से न्यू दिल्ली तक चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, यह ट्रेन कितने स्टेशनों पर रुकती हैं उसके बारे में, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। यह ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य के रानी कमलापति स्टेशन से न्यू दिल्ली तक चलती हैं। इस ट्रेन का नंबर है 12001। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है न्यू दिल्ली से रानी कमलापति स्टेशन तक, जिसका नंबर है 12002। इस ट्रेन को रानी कमलापति न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से न्यू दिल्ली तक तकरीबन 709 किलोमीटर अंतर 8 घंटे और 35 मिनट में तय करती हैं। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 83 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 150 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को शताब्दी ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से सप्ताह में 7 दिन न्यू दिल्ली के लिए डिपार्ट होती हैं। इस ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन से न्यू दिल्ली तक ले जाने के लिए गाजियाबाद लोको शेड का WAP-5 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को नॉर्थन रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 18 कोच रहते हैं, जिनमें AC चेयर कार के 14 कोच, AC एक्सक्लूसिव क्लास के 2 कोच और EOG के 2 कोच शामिल हैं। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में, जिनमें कैटरिंग की तरफ से ट्रेन डिपार्ट होने के तुरंत बाद वाटर बॉटल दिया जाता है। भोपाल जंक्शन पे स्नैक्स, लेमन जूस, टी या फिर कॉफ़ी दिया जाता है। झांसी स्टेशन पे टोमेटो सूप दिया जाता है और आगरा स्टेशन से नज़दीक पहुँचने पर डिनर सर्व किया जाता है। दोस्तों, वक्त के साथ कोच की संख्या, कोच पोजीशन, लोकोमोटिव और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन 3 राज्यों को जोड़ती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकती हैं और 101 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती हैं। इस ट्रेन की जर्नी मध्य प्रदेश राज्य के रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर को 3:15 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होती है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज रहता है भोपाल जंक्शन। भोपाल जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 3:27 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 3:30 पे रवाना हो जाती है ललितपुर जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोपाल जंक्शन जो है मध्य प्रदेश राज्य में फिलहाल के लिए इस ट्रेन में आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है ललितपुर जंक्शन। ललितपुर जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 5:29 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 5:30 पे रवाना हो जाती है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन के लिए। वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 8:37 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 6:42 पे रवाना हो जाती है ग्वालियर जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन उत्तर प्रदेश राज्य में फिलहाल के लिए आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है फिर से मध्य प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। मध्य प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का तीसरा स्टॉपेज रहता है ग्वालियर जंक्शन। ग्वालियर जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 7:40 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 7:45 पे रवाना हो जाती है मुरैना स्टेशन के लिए। मुरैना स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 8:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 8:11 पे रवाना हो जाती है आगरा कैंटनमेंट के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुरैना स्टेशन जो है मध्य प्रदेश राज्यों में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का तीसरा स्टॉपेज रहता है आगरा छावनी।
आगरा छावनी स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 9:15 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 9:20 पे रवाना हो जाती है मथुरा जंक्शन के लिए। मथुरा जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 9:53 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 9:54 पे रवाना हो जाती है न्यू दिल्ली जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है दिल्ली राज्य में ट्रैवल करेगी। दिल्ली राज्य में इस ट्रेन का पहला एवं अंतिम स्टेशन रहता है न्यू दिल्ली स्टेशन। न्यू दिल्ली स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 11:50 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से न्यू दिल्ली तक तकरीबन 709 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में बताऊँ तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, ऑनबोर्ड और ई कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। और हाँ दोस्तों, इस ट्रेन में डायनेमिक किराया लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।